जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में कॉन्ट्रोवर्सीज की कमी नहीं है। भारत में कॉन्ट्रोवर्सी कभी भी हो सकती है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लोग आपको कहने लगेंगे कि अब आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपको हैरानी होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार ये कॉन्ट्रोवर्सी हमारे ताजा तरीन विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को लेकर हो गई। ऐसा कुछ नहीं जो उन्होंने बाहर किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया हो या कुछ कर दिया हो, ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है प्रोफाइल पिक्चर को लेकर। अच्छा, कारण भी बिल्कुल वाजिब है, ऐसा नहीं कह सकते कि कारण गलत है लोगों के भड़कने का। और जो चीज है वो ऐसी है जिसको कि आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं बताऊं तो। दरअसल मामला कुछ यूं है कि रोहित शर्मा को हमने वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा बारबाडोस में, क्या शानदार तरीके से वो मैच भारत ने जीता और विश्व कप के ऊपर कब्जा किया। इसके बाद जीत के एक्साइटमेंट में रोहित शर्मा ने वही जो बात कही थी जय शाह ने कि हम तो वहां पर जीत का झंडा गाड़ेंगे, तो रोहित शर्मा ने वहां पर भारत का झंडा गाड़ने का एक प्रयास किया। अब उसी एक लम्हे की तस्वीर को रोहित शर्मा ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लिया है। बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, उसमें भारत का एक गौरव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, बारबाडोस में हमने जो भी कुछ अचीव किया था उसको हम अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक भी। लेकिन बात यह हो गई है कि जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भारत का तिरंगा है वो आपको धरती से लगा हुआ दिखाई देगा। अब इसके ऊपर कई लोग जो हैं वो आपत्ति उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई भारत के झंडे को लेकर जो भी कुछ दिखाने की जो टर्मिनोलॉजी पूरी दी गई है उसके मुताबिक झंडा जो है जमीन पर इस तरीके से टच नहीं होना चाहिए, जो कि ठीक बात है भाई, लिखा है पूरा जो कोड दिया गया है पूरा झंडे को लेकर वो पूरा उसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी एक हमको समझनी पड़ेगी कि रोहित शर्मा ने वहां कोई जानबूझ कर ये चीज नहीं करी, ये जो चीज थी अनइंटेंशनल थी, जीत की खुशी में ये चीज हुई थी। अब ये बात है कि हाँ, उसको उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर बना लिया है तो उसमें वो चीज़ गलत तरीके से दिख रही है या लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, इफ एंड बट वाली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक महाशय ने इसके ऊपर ट्वीट किया, रेडिट यूजर इनका नाम है, तस्वीर विराट कोहली लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है लोग इनको इतना सीरियसली ले नहीं रहे, पर इन्होंने लिखा है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 3 सेक्शन 4.3.20 स्टेट्स दैट द फ्लैग शॉल नॉट बी अलाउड टू टच द ग्राउंड ऑन द फ्लोर और ट्रेल इन वाटर। मतलब कि इसको जमीन पर टच होने नहीं दिया जा सकता है, इट कम्स अंडर इनकरेक्ट डिस्प्ले, प्लीज रोहित शर्मा डोंट रिस्पेक्ट द इंडियन फ्लैग, आई ट्वीटेड दिस द सेम डे वी वॉन बट डिलीटेड द ट्वीट। अब देखिए यहां पर बात भाई साहब ने जो ये लिखी है ये पूरी आधार के साथ में लिखी है, लेकिन मेरा मतलब यहां पर बस यही है कि इस बात के ऊपर हम लोग कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना खड़ी करें तो शायद बेहतर रहेगा। रोहित शर्मा से ये जो चीज हुई है ये कोई ऐसी नहीं कि उन्होंने जान करके करी है, एंड रोहित शर्मा कोई ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है जिसको कि हम ये बताएं कि भाई देशभक्ति करना या देश के झंडे का मान सम्मान करना क्या होता है। बात उस लम्हे की है जो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, बात उस पॉइंट ऑफ टाइम की है जो उस तस्वीर को देखकर हमको याद आएगा, बस इतनी सी बात है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लोग नाराजगी जताएंगे तो रोहित शर्मा को तस्वीर बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया जगह ही ऐसी है, वहाँ पर भी आप कब इन चीज़ों में घिर जाओ आप कुछ बोल नहीं सकते। तो हो सकता है रोहित शर्मा की प्रोफाइल बदलनी पड़ जाए, लेकिन अगर लोग इस चीज़ को समझेंगे बात को जानेंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ वहीं के वहीं खत्म भी हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या मत है, कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा ने इस तस्वीर को डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, या आपको लगता है कि ये कोई ऐसी गलती नहीं है जिसके कि ऊपर इतना बड़ा कोई ध्यान दिया जाए, बल्कि हमें उस तस्वीर से जुड़े हुए लम्हे को याद करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कुछ रखते हैं सोच, एंड सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप की आपकी कौन सी ऐसी याद है जो अभी भी आपके जहन में जिंदा है, उसको भी लगे हाथों कमेंट में बता ही देना, क्योंकि वाकई में हमने ये जो पूरा विश्व कप जीता था वो ऐसा तो था नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की तरह हम और दूसरे साल में जीत जाते हैं, और जिस तरह का पैशनेट क्रिकेट हम लोग खेलते हैं वो तो ऐसे भी कोई नहीं खेलता। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।